और हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 11 तक हुआ था, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू करेंगे इन्वेंटरी वैल्यूएशन का, और ये चैप्टर आज हमारा खत्म हो जाएगा। होमवर्क सेक्शन भी मुझे कुछ डिस्कस कर रहा है, उसके बारे में भी हम लोग फिर बात करेंगे। ओके, नाउ प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 12। स्टॉक ऑफ अर्लियर डेट इज नोन, ओके, वो बैलेंस शीट डेट के पहले उन लोगों ने स्टॉक का वैल्यूएशन किए थे, वो अपने को बैलेंस शीट डेट पे निकाला है। तो अब हम देखेंगे, अब फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक इन अ बिजनेस वॉज डन ऑन 23rd of February 2020। फिजिकल वेरिफिकेशन कब की उन लोगों ने? उन लोगों ने फिजिकल वेरिफिकेशन करे यहां पे 23 February को। कहता द वैल्यू ऑफ स्टॉक वॉज वर्थ ₹28 लाख, तो कितने का वैल्यूएशन हुआ उसका? 28 लाख रुपए का, 28 लाख। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस फ्रॉम 23rd February to 29th of February 2020। तो वो 23 February से लेके 29 February, या 31 March नहीं या 29 February, तो 23 February से 29 February के बीच में जो ट्रांजेक्शन, उसके इफेक्ट हमको लेना रहेगा। सो कहते हैं आउट ऑफ द गुड्स, फर्स्ट आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट गुड्स एट कॉस्ट वर्थ ₹2,30,000 वेर अनसोल्ड। सेकेंड परचेज ऑफ ₹3 लाख वेर मेड, आउट ऑफ विच गुड्स वर्थ ₹1,20,000 वेर डिलीवर्ड ऑन 5th of March 2020। थर्ड सेल्स वेर ₹13,60,000 विच इंक्लूड्स गुड्स वर्थ ₹3,20,000 सेंट ऑन अप्रूवल। Half of these goods were returned before 29th February 2020, but no information is available regarding the remaining goods. Fourth, goods are sold at cost plus 25%. However, goods costing ₹2,40,000 had been sold for ₹1,50,000. Determine the value of stock on 29th of February 2020. उसने हमने क्या कहा? उसने कहा कि value of stock निकालना है 29 February 2020 को। अब इस चीज को आप समझना बेटा। वो आपसे मैं आप पे पहले लिख लूं। क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 134, क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 134। यहां पे एक चीज आपने ध्यान में रखना, उसने आपसे वैल्यू ऑफ स्टॉक बोला 29 February को। अगर मैं यहां पे टोटल स्टॉक की बात करूं, आपके समझ के लिए मैं कह रहा हूं, टोटल स्टॉक की अगर मैं बात करूं, तो टोटल स्टॉक जो होता है, एक होता है आपके पास जो फिजिकल स्टॉक है, फिजिकल स्टॉक का मतलब होता है जो आपके पास रखा हुआ है, उसे आप फिजिकल स्टॉक कहते हैं, फिजिकल स्टॉक। और एक होता है मालिक आप ही हो, आपका स्टॉक है और जो फिजिकली आपके पास नहीं रखा हुआ है। सो एक आप देखोगे कंसाइनमेंट चैप्टर आपने पढ़े, कंसाइनमेंट चैप्टर आपने पढ़े ना, उसमें आपने देखिए बेटा कि गुड्स जो होता है कंसाइनर ही मालिक होता है, लेकिन गुड्स किसके पास रखा हुआ है? कंसाइनी के पास, मालिक कंसाइनर ही, लेकिन गुड्स किसके पास रखा हुआ है? कंसाइनी के पास रखा हुआ है। सो एक होता है आपका आपका स्टॉक, एक फिजिकल स्टॉक जो हमारे पास खुद के पास है, एक हमारा गुड्स कंसाइनी के पास रखा हुआ है। सो यहाँ पे विद कंसाइनी, मालिक हम ही है, हमारा ही गुड्स है, किसके पास रखा है? कंसाइनी के पास। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा ही गुड्स है लेकिन ट्रांजिट में, हमने ऑर्डर करे कहीं से, वो गुड्स अभी पहुंचा नहीं ट्रांजिट में, तो मालिक हम ही है और वो कहां पे? इन ट्रांजिट। और एक होता है जैसे गुड्स विद कस्टमर, तो अब इसके बाद ही हम लोग एक चैप्टर पढ़ने वाले, कल से वो शुरू होगा, सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस। ओके, नेक्स्ट चैप्टर आपका सेल्स ऑन अप्रूवल ही है। ओके, यस, सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, वही नेक्स्ट चैप्टर। तो वहां पे देखेंगे कि मालिक हम होते लेकिन हम कस्टमर के पास हमारे पास हमारा गुड्स रखा। आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे हमारा गुड्स कस्टमर के पास रखा हुआ? कल आप पढ़ोगे जब हम लोग सेल्स ऑन अप्रूवल चैप्टर शुरू करें कि मालिक हम है लेकिन हमारा गुड्स कस्टमर के पास रखा हुआ है, क्योंकि हमने उसको दिए कि भाई देख पसंद आता है तो रख, नहीं आता तो वापस कर देगा। तो जब उसको पसंद आ जाएगा, जब अप्रूवल दे देगा, जब वो मालिक बनता है ना। सपोज आप मेरे अभी थोड़ा सा क्या था, कल चैप्टर शुरू होगा तो मजा आएगा आपको। मैंने आपको कोई गुड्स दिया, मैंने आपको दिया, मैंने बोला आप मालिक नहीं हो, आप 10 दिन रखो अपने पास, पसंद आए तो रखना नहीं तो वापस करना। अब 10 दिन तो आपके पास रखा लेकिन मालिक तो मैं हूं ना, आपको गुड्स वो बेचा गया क्या? नहीं। तो वो होता है गुड्स विद कस्टमर, वो सेल्स ऑन अप्रूवल जब होता है उसमें ऐसा होता है। तो यहां पर अगर अपन देखे बेटा, तो यहां पर अगर आप देखो, यहां पर अगर आप देखेंगे तो टोटल स्टॉक आपका है, लेकिन एक एक फिजिकल स्टॉक आपके पास है, एक आप कंसाइनी के पास है, एक ट्रांजिट में हमने कहीं से ऑर्डर किए रास्ते में, और एक क्या है बेटा यहां पर गुड्स विद कस्टमर। तो आपको यहां पे वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालना है, तो आप यहां पे लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑन 29th of February
2020. ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बेटा, गुड इवनिंग. ओके, अभी इतना ही कहूँ, अगर लेट ज्वाइन करे तो इतना कहूँ, मैं ऊपर जो रेडिंग से लिखा उसको एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से, ठीक है. ओके, सो अब आप यहां पे ज्यादा नहीं, इसको आप ड्रॉ करेंगे, इसको आप ड्रॉ कर लो 8-10 लाइन, ठीक है, 8-10 लाइन का इसको ड्रॉ कर लेंगे आप. ओके, सो ये आपकी वैल्यू ऑफ स्टॉक, वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 23rd of February 2020, यहां पे उसने दिया हमको स्टॉक का वैल्यू कितना, 28 lakhs. इसमें अपने को ऐड वाले इसमें ज्यादा आइटम है और लेस वाले बहुत कम है, तो आप यहां पे नीचे में लिख लेना उसे. ओके, तो ऐड वाले इसमें 6-7 लाइन का, 7-8 लाइन का स्पेस रखना बेटा, फिर लेस लिखना वहां पर, ठीक है. आप ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप उसको ऐड लेस ऐसा आइटम बाय आइटम भी लिखे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता. ओके ओके, अब देखेंगे वन बाय वन अपने आप डिस्कस करेंगे. वो कहते हैं पहला पॉइंट, आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स एट कॉस्ट वर्थ ₹2,30,000 वेयर अनसोल्ड. जो आपने कंसाइनमेंट पे भेजा था, कंसाइनर ने कंसाइनी को भेजा था, ₹2,30,000 के गुड्स के अनसोल्ड, ये किस दौरान ये ट्रांजेक्शन हुए? सर ये हुए आपके 23 फरवरी से 29 फरवरी के बीच में यहां पर हुए. अब क्या हुआ यहां पे, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं बेटा, यहां पे ये ट्रांजेक्शन कुछ इस तरह है, ये जो है अपने को इसकी बात करना है 23rd of February से लेके 29th of February इसके बीच में जो यहां पे ट्रांजेक्शन हुए ना बच्चों, अब उसके बारे में भी बात कर रहे हैं, ठीक है. अपने को इस तारीख का स्टॉक निकालना है, ठीक है, इस तारीख का अपने को स्टॉक कैलकुलेट करना है बेटा, यहां पे कैलकुलेट करना है. अब ये अपने को 23 फरवरी का स्टॉक उसने बताया कितना, 28 लाख. बहुत अच्छे से संजीदगी से आराम से अच्छे से समझना बेटा. अब वो कहते हैं कि यहां पे उन्होंने गुड्स भेजे कंसाइनी को, कितने का गुड्स भेजे, ₹2,30,000 का जो कि अनसोल्ड है. इस दौरान गुड्स भेजे जो कि अनसोल्ड है ₹2,30,000 का यहां पे. तो आप बोलेंगे सर हमारे पास स्टॉक नहीं, बिल्कुल सही बात है, हमारे पास स्टॉक नहीं. जब हमने यहां पे काउंट करे तो यहां पे जब हमने काउंट करे तो आपने क्या, अगर हमको तो यहां पे 29 तारीख, तो आप बोलेंगे सर यहां पर तो हमारे पास नहीं, बिल्कुल सही बोल, हमारे पास नहीं, लेकिन वैल्यू ऑफ स्टॉक निकाले तो हम मालिक, हमें हमारे पास फिजिकली नहीं है, लेकिन कंसाइनी का पास हमारा, हम मालिक तो मैं ही हूं, कंसाइनी के पास हमारा वो गुड्स रखा हुआ है, ठीक है. सो ये 28 लाख यहां था, यहां पे आपने कंसाइनी को 28 लाख यहां पर था बेटा 23 फरवरी को, यहां पे आपने 23 फरवरी को था, यहां पर आपने क्या करे 23 फरवरी को था, यहां पर आपने क्या करे बेटा 23 फरवरी के बाद यहां पे गुड्स को भेजे, किसके पास भेजे, आपने कंसाइनी के पास भेजे जो कि अनसोल्ड थे. तो 29 तारीख को फिजिकली हमारे पास नहीं था, मगर हमारा गुड्स कंसाइनी के पास रखा, तो हम मालिक हम ही उसके, तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा. अब आप मेरे को बताओ, यहां पर वो गुड्स, सॉरी, यहां पर वो गुड्स कंसाइनी के पास भेजे, लेकिन मालिक तो अपन ही है ना, मालिक हम है, तो 29 तारीख को हम मालिक हम है, हमारा ही गुड्स है वो, तो अपन क्या करेंगे, यहां पर जो गुड्स था 28 लाख उसमें और गुड्स बढ़ गया यहां पे, कितने का, 2,30,000 का, 2,30,000 ही है यस, तो आप लिखेंगे यहां पे अनसोल्ड स्टॉक आउट ऑफ गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट 2,30,000. ओके, 2,30,000 लिखा आपने इतना, ठीक है बेटा. अब उसके बाद कहता 2 तारीख को कि परचेज ऑफ ₹3,00,000 वेर मेड आउट ऑफ विच गुड्स वर्थ ₹1,20,000 वेर डिलीवर्ड ऑन 5th of March. अब 3 लाख रुपए का गुड्स हमने परचेज करे, लेकिन उसमें से डिलीवर्ड हुआ हमको 29 फरवरी के बाद कितने का गुड्स डिलीवर्ड बेटा, 1,20,000 का. लेकिन यहां पर वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालना अपने को, तो क्या वो 3 लाख में से 1,80,000 हमको मिल गया, वो पहले आप लिखो, 3 लाख में से 1,80,000 हमको मिल गया. सो आप यहां पर इस तरह लिखो, परचेज ड्यूरिंग
परचेज ड्यूरिंग पीरियड फ्रॉम, फ्रॉम 23rd Feb 2022 29th of Feb 2020। तो ये 3 लाख रुपए का गुड्स था जिसमें से हमको बाद में 1,20,000 का मिला। तो गुड्स हमारे पास यहां पे कितने के आ गए बेटा, गुड्स हमारे पास कितने के आ गए बेटा, यहां पे 1,80,000 के आ गए। तो 1,80,000 से हमारा गुड्स बढ़ गया, 1,80,000 से बढ़। लेकिन 1,20,000 मेरे को बाद में मिला होगा, वो मार्च मंथ में मिला होगा, लेकिन मालिक तो मैं ही हूं ना, मालिक तो मैं ही हूं, तो उसे आप कहते इन ट्रांजिट है, मालिक तो मैं, हमको वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालना। तो दिस इज वैल्यू ऑफ स्टॉक टोटल। तो कुछ हमारे पास है, कुछ कंसाइनी के पास है, कुछ ट्रांजिट वाला है। तो 3 लाख में से 1,80,000 मिले, 1,20,000 अभी भी ट्रांजिट में मालिक अपन ही। तो आप यहां पे लिखोगे गुड्स इन ट्रांजिट ऑन 29th of February 2020 1,20,000। कितना आपका 1,20,000। ओके डन, समझ में आया। अब उसके बाद यहां पे थर्ड पॉइंट, और थर्ड बड़े इंटरेस्टिंग है, सेल्स वेयर रुपीज 13,60,000। अब देखो बेटा यहां पे, इस दौरान अगर यहां पे सेल्स हुआ है ना, यहां पे क्या हुआ, यहां पे सेल्स हुआ है, यहां पे सेल्स हुआ है, तो अपने पास तो स्टॉक 28,00,000 का अपना वैल्यू था यहां पे 23 फरवरी का बेटा। यहां पे सेल्स हो तो गुड्स बढ़ा कि कम हुआ 29 फरवरी का, अपने को अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहां पे गुड्स अगर सेल हुआ है तो गुड्स हमारे पास 29 फरवरी को बढ़ा कि कम हुआ, कम हुआ, तो अपने को सेल को कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करना है। लेकिन थोड़ा समझ के आप मेरी बात को थोड़ा अच्छे समझेंगे। यहां पे वो कहता है कि सेल्स वेयर रुपीज 13,60,000 विच इंक्लूड्स गुड्स वर्थ रुपीज 3,20,000 सेंट ऑन अप्रूवल, हाफ ऑफ दीज गुड्स वेयर रिटर्न बिफोर 29th of February 2020 बट नो इंटीमेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग द रिमेनिंग गुड्स। अब वो कहते हैं कि 13,60,000 रुपए का गुड्स हमने क्या करे बच्चों, सेल करे, लेकिन उसमें से 3,20,000 का गुड्स ऐसा सेल था जो कि सेल्स ऑन अप्रूवल था। तो सेल्स ऑन अप्रूवल पे कल ही मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, जब हम लोग कल नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले, तो आप वहां पे देखोगे जब सेल्स और अप्रूवल पे कोई चीज आप बेचते हो तो एक्चुअल में जब वो अप्रूवल देता है, जब वो एक्चुअल में सेल होता है, लेकिन वो बोलता है कि 13,60,000 रुपए 3,20,000 रुपए का ऐसा सेल्स है जो सेल्स और अप्रूवल पे बेचा गया। सेल्स और अप्रूवल मतलब आप कस्टमर को दे देते, बोलते रख भाई, पसंद आया तो रखना, नहीं है तो वापस कर देना। तो सेल्स वैसे तो उसको कब मानना चाहिए, जब वो अप्रूव कर दे, जब उसको सेल्स मानना चाहिए। मगर उन्होंने क्या करे बेटा, यहां पे उन्होंने 13,60,000 रुपए जो थे यहां पे उसमें 3,20,000 इंक्लूडेड। अब कहते हैं कि हाफ ऑफ दीज गुड्स वेर रिटर्न बिफोर 29th of February, आधा गुड्स इसमें से 29 फरवरी के पहले क्या वापस आ गया, ठीक है। तो मैं बोलूंगा 13,60,000 रुपए में तो आधा गुड्स हमारे पास क्या हो गया, वापस हो गया ना, तो वो सेल्स तो नहीं है। तो 13,60,000 रुपए में से 3,20,000 का जो सेल्स ऑन अप्रूवल था, इसमें से आधा गुड्स वापस आ गया, मतलब 1,60,000 रुपए का गुड्स वापस आ गया, तो क्या वो सेल हुआ क्या, नहीं। तो अगर मेरे को निकालना भी सेल्स कितना हुआ, तो मैं बोलूंगा 13,60,000 में से वो 3,20,000 का 50% दैट इज 1,60,000 वो वापस आ गया, तो उसको माइनस कर दूंगा, और आधा गुड्स उसी के पास, उसके बारे में मैं आपसे बात करता हूं। आधा गुड्स हमारा कंसाइनी के पास, कंसाइनी कह रहा हूं, कस्टमर के पास रखा हुआ है। 3,20,000 में से आधा गुड्स रिटर्न हो गया बेटा, आधा गुड्स रिटर्न हो गया और आधा गुड्स कस्टमर के पास है, विद कस्टमर, मालिक हम ही है, मालिक अपन ही, तो इसका आधा 1,60,000 मैं बात करता हूं एक एक करके, ठीक है। अब मैंने कहा कि ये 13,60,000 में से ये तो वापस हो गया ना 1,60,000, पहले 1,60,000 की 50% की बात करते हैं जो रिटर्न हुआ, तो वो तो सेल्स नहीं है, उसको उसमें से क्या करना है, सेल्स में से माइनस। मगर वो जो उसके पास कस्टमर के पास रखा उसके बारे में अपन बात करेंगे। लेकिन आगे अपने से कहता है बेटा, गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%, हावेर गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 2,40,000 हैड बीन सोल्ड फॉर रुपीज 1,50,000। कोई गुड्स है 2,40,000 रुपए का जिसको हमने बेचे 1,50,000 में, तो ये एबनॉर्मल आइटम की बात अपन थोड़ी सी अलग करेंगे, क्यों अलग करेंगे उसके बारे में मैं आपसे 2 मिनट में डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी आप मेरे को तो नॉर्मल सेल कितना हुआ, नॉर्मल सेल अगर देखा जाए तो 13,60,000 का टोटल सेल है, उसमें से 1,60,000 का माइनस हो गया, रिटर्न आ गया, तो माइनस कर देंगे 1,60,000,
और आपने जो एबनॉर्मल आइटम कहते हैं इसको जो 240,000 रुपए का, तो उसको 150,000 में बेचे, तो शायद किसी के दिमाग में आ रहा होगा स्टूडेंट के कि जब कोई चीज 240,000 की तो आप उसको क्यों 150,000 में बेच रहे। तो कोई एबनॉर्मल आइटम उसी को, तो कोई डैमेज गुड्स है, खराब हो गया, कोई फैशन में नहीं है, तो कम कीमत पे बेचना पड़ता है। तो एबनॉर्मल आइटम का भी मैं हिसाब किताब करूंगा, उसको दो मिनट साइड में रखते। तो एबनॉर्मल आइटम का लेकिन सेल कितना हुआ 150,000 का। तो मैं नॉर्मल सेल की बात करूं कि 13,60,000 में से 1,60,000 का रिटर्न आ गया और 1,50,000 को एबनॉर्मल आइटम का सेल है। पहले इसको अलग करते, तो जो फिगर आएंगे नॉर्मल सेल की फिगर आएंगे, ठीक है। लेकिन मेरे को नॉर्मल सेल यहाँ पे मेरे को सिर्फ ये नहीं माइनस करना कि सेल इतनी सेल हुआ तो यहाँ पे गुड्स कम हुआ, वो एबनॉर्मल सेल के बारे में बात करूं, थोड़ा पेशेंस रखना 5 मिनट बेटा। तो यहाँ पे जो गुड्स बिका अपन वो बोलेंगे सर इसका सेल वैल्यू नहीं माइनस कर, अपन ने जो बेचे उसकी कॉस्ट क्या है वो कॉस्ट ऑफ सेल अपने को माइनस करना है। क्यों? कि स्टॉक आप कॉस्ट पे लिखते हो और प्रॉफिट नहीं फाइंड आउट करना भाई साहब, मेरे को ये फाइंड आउट करना है कि एक्चुअल में मेरे पास स्टॉक यहाँ पे कितना है। तो जो गया वो कितने में गया वो नहीं चाहिए, उसकी कीमत कितनी थी, दो कॉस्ट और सेल में फर्क है, कितने में बिका वो नहीं पता, मुझे ये जानना है कि वो कितनी उसकी कीमत क्या थी और बिका कितने में, है ना। कॉस्ट और सेल वही चीज होती है, कॉस्ट थी 100 रुपए, बिका 125 में, तो अपने को 100 कॉस्ट कितनी है। तो यहाँ पे सेल वैल्यू पहले नॉर्मल सेल निकालो कि नॉर्मल सेल कितना हुआ, उसमें से उसका प्रॉफिट कंपोनेंट हटा दो तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नॉर्मल सेल आ जाएगा। अब वो एबनॉर्मल आइटम क्या उसके बारे में मैं आपसे बात करता हूं, और जो गुड्स हमारे कस्टमर के पास रखा उसके बारे में मैं आपसे बात करता हूं। अब आप यहां पे एक वर्किंग नोट यहां पे बनाएंगे, वर्किंग नोट, नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल फ्रॉम 23rd of February टू 29th of February। ओके, जो 23 फरवरी से 29 फरवरी के बीच में जो बिका उसकी सेल वैल्यू क्या, सॉरी उसकी कॉस्ट क्या थी। तो जो आपने बेचे सेल्स फ्रॉम 23rd February 2022, 29th of February 2020। So, इस दौरान सेल्स कितने का होगा, आपका सेल्स कितने का हो यहां पे, मेरे को यहां पर आपका जो सेल्स हुआ वो आपने यहां पे लिखा, उसमें क्वेश्चन में लिखा 13,60,000 रुपए का सेल्स हुआ, इसमें से रिटर्न हो गया गुड्स 1,00,000, जो आपने सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस पे बेचे थे 3,20,000 का, उसमें से 50% रिटर्न हो, मतलब 1,60,000 का रिटर्न हो गया। So, उतने से सेल्स कम हो गया, तो रिटर्न ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल तो 3,20,000 का था, 50% इसमें से रिटर्न हो गया, तो वो आ गया आपका 1,60,000 रुपए का गुड्स रिटर्न हो गया। मैंने कहा कि इसमें से ऐसा भी कोई गुड्स है जो एबनॉर्मल सेल, तो 2,40,000 की चीज थी उसका हिसाब किताब अलग से करेंगे, वो आपने 1,50,000 में बेचे थे, तो जो सेल वैल्यू 13,60,000 उसमें 1,50,000 वो इंक्लूड है। तो यहां पे लिखेंगे हम सेल ऑफ एबनॉर्मल आइटम, वो था आपका 1,50,000 रुपए का। तो एक्चुअल में जो नॉर्मल सेल हुआ कितने का हुआ, 13,60,000 में से 1,60,000 का वापस आया, 1,50,000 का एबनॉर्मल सेल था। जो नॉर्मल सेल आपका हुआ इस दौरान वो नॉर्मल सेल कितना है, नॉर्मल सेल हुआ आपका 10,50,000 रुपीज आ रहा है। अब क्वेश्चन उसने अभी आप अभी कहा यहां पे क्वेश्चन पे यहां पे कि जो जब सेल करो कॉस्ट प्लस 25%, तो ये जो 10,50,000 है ये 125 है ना, कॉस्ट इज 100 प्लस 25%, से कॉस्ट प्लस सेल, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज सेल, तो कॉस्ट इज 100 प्रॉफिट इज 25, तो सेल इज 120, दिस 10,50,000 इज 125। सो इसमें प्रॉफिट कंपोनेंट में माइनस करूंगा, लेस प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन ये 10,50,000 अगर 125 है तो फिर 25 कितना, वो आता है आपका 2,10,000। तो इसमें से 2,10,000 प्रॉफिट कंपोनेंट था, तो जो नॉर्मल सेल आपने की उसकी कॉस्ट आ गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट नॉर्मल प्राइस।
सो 10,50,000 में से आप माइनस करोगे तो आता 8,40,000 कॉस्ट थी जो आपने नॉर्मल गुड्स बेचे आप। अब एबनॉर्मल आइटम भी तो बेचे जो कि हमने ऊपर से सेल 1,50,000 में जो बिका था वो अपन ने 1,50,000 ऊपर में यहां पे माइनस कर दिए थे, लेकिन जो एबनॉर्मल आइटम थे उसकी कॉस्ट कितनी थी, तो वो जो हमारे पास नॉर्मल आइटम थे जो हमने बेचे उसकी कॉस्ट थी 8,40,000 और जो एबनॉर्मल आइटम हमने बेचे उसकी कॉस्ट क्वेश्चन में दी हुई है वो उसकी कॉस्ट कितनी यहां पे 2,40,000। सो यहां पे इसको और मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लिख लो, लेकिन पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑफ एबनॉर्मल आइटम तो जो आपने एबनॉर्मल आइटम बेचे उसकी कॉस्ट थी 2,40,000 और नॉर्मल आइटम की कॉस्ट हमने निकाले 8,40,000। तो आप इसको लिखो, फिर से मैं एक्सप्लेन करो कुछ और पॉइंट। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम 23rd of February टू 29th of February 2020 8,40,000 + 2,40,000 यार आपका 10,80,000 जो आपने गुड्स बेचे उसकी कॉस्ट थी 10,80,000। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर आपने यहां पे एबनॉर्मल आइटम को ऐसा अलग से क्यों लिखे, मैंने यहां पे सेल वैल्यू, ये एबनॉर्मल आइटम की सेल वैल्यू 1,50,000 तो ये नॉर्मल सेल की वैल्यू में से मैंने माइनस किया और नीचे क्या किया अपन ने यहां पे उसकी जो कॉस्ट थी एबनॉर्मल आइटम की उसको ऐड करें। तो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट के दिमाग में, सर आपने अभी माइनस ही क्यों करें, उसका रीजन ये कि जब आप गुड्स जो बेच रहे कॉस्ट प्लस 25% वो नॉर्मल आइटम ही उस मार्जिन पे बिक रहा है कॉस्ट प्लस 25% पे, जो एबनॉर्मल आइटम है वो कॉस्ट प्लस 25% पे नहीं बिक रहा, उसकी तो हमको बताया कि कॉस्ट कितनी थी 2,40,000 रुपए उसकी कॉस्ट थी। नॉर्मल आइटम जो बेचे उसकी कॉस्ट क्वेश्चन में नहीं दी, वो हमने फाइंड आउट करें। एबनॉर्मल आइटम जो था उसकी कॉस्ट क्वेश्चन में दिए 2,40,000, सो 2,40,000 की चीज को आपने 1,50,000 में बेचे तो यहां पे इसमें 13,60,000 में 1,50,000 इंक्लूड, इसलिए माइनस करें बेटा। फिर जब मैं यहां पर बोलूंगा अगर वो सेल 125 है तो 25 कितना, तो ये एबनॉर्मल आइटम पे नहीं कह सकता, अगर मैं 1,50,000 से माइनस नहीं करता तो 10,50,000 नहीं आता, यहां पे 12,00,000 आता, तो 12,125 नहीं हो, क्यों, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा कंपोनेंट है जो आपने नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन पे नहीं बेचे, तो उसको हटाना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, इसीलिए आपने एबनॉर्मल आइटम के सेल्स को यहां से हटा दिए और ये जो सेल आया 10,50,000 वो नॉर्मल आइटम जो आपने प्रॉफिट कंपोनेंट जो प्रॉफिट मार्जिन 25% ऑफ कॉस्ट का था उस पे बेचे, तो आपने 10,50,000 अगर 125 है तो 25 कितना, दैट्स कम 2,10,000। ओके, सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है जो आपने नॉर्मल जो आप अगर आपका तो आपने सेल में से कॉस्ट माइनस करे सॉरी सेल में से प्रॉफिट माइनस करे तो कॉस्ट आ गई, और जो एबनॉर्मल आइटम बेचे 1,50,000 पे थे लेकिन उसकी कॉस्ट कितनी 2,40,000, तो डैमेज आइटम होगा कुछ रीजन होगा, तो 2,40,000 रुपए की उसकी कॉस्ट थी, तो ये नॉर्मल आइटम की कॉस्ट 8,40,000 और ये 2,40,000 की इसके ये आपके एबनॉर्मल आइटम की, तो टोटल गुड्स जो आपने बेचे उसकी कॉस्ट होगी 10,80,000 रुपए। अब यहां पर आपने जो गुड्स बेचे हो इस दौरान आपने जो गुड्स बेचे इस पे मुझे बात करना है ना, जो हमारे कस्टमर के पास हमारा कुछ गुड्स रखा उस पर अपन बात करेंगे, लेकिन यहां पर जो बेटा ये जो गुड्स यहां पर जो अपन ने देखी यहां पे जो गुड्स बिका उसकी कॉस्ट कितनी, उसकी कॉस्ट है 10,80,000। तो गुड्स जब यहां पे बिका तो वो हमारे पास 29 फरवरी को गुड्स बढ़ा के कम हो गया ना गुड्स यहां पे कम हुआ, तो अपन क्या करेंगे उसको माइनस करेंगे। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 23rd of February 2020 टू 29th of February 2020 वर्किंग नोट नंबर वन, यहां पे फिगर है आपकी 10,80,000। अब आप मेरे को बताओ बेटा हमने जो सेल्स ऑन अप्रूवल पे 3,20,000 का बेचे थे उसमें से 1,60,000 का रिटर्न आ गया, लेकिन 1,60,000 का गुड्स हमारा किसके पास रखा हुआ है, कस्टमर के पास रखा ना, जब वो गुड्स कस्टमर के पास हमारा रखा तो उसका मालिक कौन है, उसके मालिक तो अब हम ही है ना, हमारा गुड्स कस्टमर के पास रखा हुआ है तो उसने यहां पे 50% रिटर्न करा, लेकिन 50% के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है,
मतलब हमारा गुड्स उसके पास रखा हुआ है, तो हमारा गुड्स के पास रखा तो मालिक कौन है, हम, तो हमारा स्टॉक क्या, हमारे पास फिजिकल नहीं है, तो कुछ स्टॉक ये फिजिकल है, कुछ कंसाइनी के पास है, कुछ ट्रांजिट में और कुछ कस्टमर के पास है, तो कस्टमर के पास है। सो आप यहां पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स विथ कस्टमर। सो आपका ये गुड्स कितने का था, 160,000 रुपए का गुड्स था जो कस्टमर के पास रखा हुआ है, ठीक है। और आप सबको पता है हम स्टॉक किस पे लिखते, कॉस्ट पे लिखते बेटा। अब ये 160,000 तो सेल वैल्यू है ना, जो कस्टमर के 3,20,000 का उसको अपने दिए थे, 160,000 का वापस किया, 160,000 का उसके पास रखा, लेकिन 160,000 क्या है, सेल वैल्यू है, तो इसको तो अपने को कॉस्ट पे लिखना, हमारा जो गुड्स कस्टमर के पास है। तो 160,000 अगर 125 है तो कॉस्ट इज 100, तो 100 कितना, तो ये आता है आपका 128,000। तो आप इसको टोटल करेंगे और यहां पे इसको माइनस करेंगे, तो 280,000 प्लस 230,000 जो कंसाइनी के पास है, 180,000 जो हमारे पास गुड्स परचेज करे, 120,000 जो ट्रांजिट में, और 128,000 जो कंसाइनी के पास है। तो टोटल ये आपका हो रहा है यहां पे, यहां पर ये जो हो रहा है आपका टोटल, इसका टोटल नहीं भी करते, चलो ठीक है, मैंने इसको टोटल कर दिया, ठीक है, यार 9,38,000 माइनस 10,00,000, नहीं कुछ गड़बड़, 9,00,000 कैसे होगा, 28,00,000 होना चाहिए, सॉरी 28,00,000 कुछ गड़बड़ किया, 28,00,000 प्लस 2,30,000 प्लस 1,80,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,28,000, नो इस 34,00,000 माइनस 10,80,000 या आपका 23,00,000 78,000। सो टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 29th of February 2020 23,78,000 लिखे आपने बच्चों। तो अगर आप देखें यहां पे बेटा, तो वैल्यू ऑफ स्टॉक अपने 28,00,000 थी, ठीक है। अब हमारे पास ये वाला जो गुड्स है, आपकी समझ के लिए लिख रहा हूं मैं, ओके, ये जो गुड्स था ये हमारे पास विद कंसाइनी, कंसाइनी के पास, हम मालिक हम ही, कंसाइनी के पास रखा हुआ, इतना गुड्स आपने परचेस करे, इतना ट्रांजिट में है, और ये हमारा कस्टमर के पास रखा हुआ है, कस्टमर के पास हमारा गुड्स ये रखा हुआ है, मालिक हम ही है, तो सबको अपने ऐड करें, जो सेल करे उसकी कॉस्ट अपने वहां पे लिखे, तो आपका वैल्यू ऑफ स्टॉक वहां पे आ गया, ओके डन। तो हमने बहुत से क्वेश्चन बेटा यहां पर अपन ने आज इसके ऊपर करे, किसके ऊपर यहां पे, कि कल भी हम लोगों ने करते कि स्टॉक का वैल्यूएशन अगर आपने करना 31 मार्च को ही है, या 29 फरवरी दिया, ईयर एंड को ही करना, लेकिन आपने वैल्यूएशन उसकी पहले या बाद में की, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हमको यहां पे कैलकुलेट करना रहता है, ओके। अब ना मैं होमवर्क सेक्शन में अभी 2 क्वेश्चन और बचे, अपन वो सॉल्व करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है उसके बारे में बात करूंगा बेटे। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर अगर आप यहाँ पे देखो ना, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 3, इस 3, 4 और 6 उसके बारे में बात करता हूं, लेकिन जो अब आपका यहाँ पे सेंट ऑन रिटर्न बेसिस अप्रूवल बेसिस वाला है आपका, तो ये आप क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है ये होमवर्क है आपका, ठीक है। मगर आप ऐसा ही क्वेश्चन शायद ना, क्वेश्चन नंबर 7 रिपीट हो गया, ये सिमिलर क्वेश्चन पहले कभी आ गया, वो गलती से ना बेटे यहां पर आ गया, देखो इंस्टीट्यूट के मटेरियल में, गलती से नहीं, एक्चुअल में आई मीन टू से, ये वो स्टॉक वाला, तो ये भी होमवर्क है। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे लिख लो आप, सिमिलर टू प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 7। अब फर्क क्या है, यहां पे 4,10,000 है, तो यहां पे 41,000, यहां पे ये 10,000 है, तो यहां पर कितना दिया उसने, 1,00,000, उसने 1-1 0 बस वहां पे बढ़ा दिया, ठीक है। तो बेटा ये आपको करना रहेगा, याद रखना, ये कैश सेल कैश परचेज से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कंफ्यूज करने वाला, गुड्स कितना खरीदे वो अपने को देखना है, अब कैश में करे क्रेडिट में करे से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सेल्स रिटर्न है। और फिर उसके बाद बेटा सेल्स ऑन अप्रूवल वाला, सेल ऑफ 10,000 उसमें सेल्स ऑन अप्रूवल था, कस्टमर बींग रिटर्न 40% उसने गुड्स रिटर्न का, और कस्टमर वॉज बिल्ड ऑन 60,000 है। द ट्रेडर ऑल्सो ऑल्सो 18,000 इन मार्च ऑफर सेल ऑन कंसाइनमेंट। एक काम करो, इसके बारे में ना मैं डिस्कस कर रहा था पहले ना, मैं ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दूंगा,
सो हम लोग आखिरी में करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आखिरी में करते, पहले क्वेश्चन बच्चे जो अपने क्लास के क्वेश्चन में करता हूँ, इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे नए मुझे लग रहे, नए है नहीं, आप लोग कर लोगे, लेकिन तो भी मैं क्लास में उसको आज आखिरी में डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन फिर अपन देखते हैं जो बच्चे डिस्कस करते, लेकिन आपने क्वेश्चन नंबर जो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7 वो सिमिलर क्वेश्चन, ठीक है। सो ये होमवर्क है, लेकिन पहले मैं क्लास के क्वेश्चन कर लेता हूं और उसके बाद फिर हम उसको डिस्कस करेंगे, ओके, ठीक है। सो अब आएंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर है आपका 13। सो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स असर्टेन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज एज ऑन 31 मार्च 2020, ठीक है। अब उसने देखो यहां पे ओपनिंग स्टॉक दिया आपको 1,42,500, परचेज दिया फिर 7,62,500, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 1,50,000, सेलिंग एक्सपेंस 60,500, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 30,000, फाइनेंशियल चार्जेस 21,500, ऑफिस सेल्स से आपका 12,45,000। वो कहता है एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2019 इज सम ऑफ रुपीज 17,500 was written off on a particular item which was originally purchased for rupees 50,000 and was sold during the year for rupees 45,000. Bearing the transaction relating to this item, the gross profit earned during the year was 20% on sale. ये क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अपने को स्टॉक ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है अपने, ठीक है। अब दो तरीके इंस्टीट्यूट ने कैसे करा मैं वैसा भी बताता हूं, लेकिन आपको मैं एक और तरीके से एक्सप्लेन करता हूं, उस पर पहले अपन ध्यान देंगे, फिर इंस्टीट्यूट ने कैसे करी मैं वैसा भी सॉल्व करता हूं, और वो आसानी से आप कर भी लोगे, ठीक है। लेकिन आप दोनों तरीके से बता रहा हूं, पहले आप यहां पर लिखो क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 134, ठीक है। So, मैं यहां पे अकाउंट बना रहा हूं, फिर आपको एक्सप्लेन कर दो इंस्टीट्यूट ने कैसे करी, वैसा भी मैं सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। सो मैंने कहा एक अकाउंट बनाओ, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, इसको ड्रॉ करना 5-6 लाइन का, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसे भी ज्यादा नहीं 5-6 लाइन का ड्रॉ करना। अब आप इसको लिख लो, फिर मैं फिर एक्सप्लेन करता हूं। देखो साइंस वाले बच्चों घबराना, व्हाट इज दिस ट्रेडिंग अकाउंट, व्हाट इज दिस पीएनएल अकाउंट, घबराओ मत, या फाइनल अकाउंट चैप्टर में पढ़ूंगे आपने 11-12 में साइंस, साइंस वाले बच्चे कहते हो जिन्होंने 11-12 साइंस से पढ़े, डोंट वरी, बिल्कुल नहीं घबराना, आगे फाइनल अकाउंट चैप्टर आएंगे वहां पर आप ये ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल अकाउंट वहां पर पढ़ेंगे, तो वहां पर आप ये ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनल अकाउंट चैप्टर जब आएगा वहां पर पढ़ोगे बच्चों। लेकिन आपने अभी बस इतना समझना कि यहाँ पे जो साल के आखिरी में ट्रेडिंग पीएनएल बनाते हैं, यहाँ पे इसके डेबिट में यहाँ पे एक्सपेंस लिखते हैं जो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं पीएनएल के डेबिट। व्हाट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है आपके, तो वो यहाँ पे वाले खर्चे वो यहाँ पे लिखते, यहाँ पे इनकम, यहाँ पर भी इनकम लिखते। अभी इतना समझना, डोंट वरी, फाइनल अकाउंट चैप्टर आएगा इसमें कुछ भी दम नहीं, ठीक है। कॉमर्स वाले बच्चे 11-12 आपने कभी ना कभी ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाया, मेरी बात अब ध्यान से सुनते जाएंगे। वो कहता है आपको ओपनिंग स्टॉक उसने यहाँ पे दिया 1,42,500, तो आप यहाँ पे लिखोगे 2 ओपनिंग स्टॉक इनर कॉलम में लिखना। आप बोलेंगे सर क्यों इनर कॉलम में, मैं बताता हूं, आप अभी लिख लो 1,42,500, फिर परचेस है आपका 7,62,500, एक लाइन का स्पेस रखना, फिर आपने लिखना 2 परचेस 7,62,500, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 1,50,000,
मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1,50,000, ओके। उसके बाद आपका सेलिंग एक्सपेंस 60,500, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, खर्चे, सो जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है बेटा, तो पीएनएल में लिखते हैं। तो आप यहां पे लिखेंगे टू सेलिंग एक्सपेंसेस, कितना है वो 60,500। फिर यहां पे क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 30,000, टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 30,000, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हाउ मच 30,000, ओके। फिर वो कहता है आपसे फाइनेंशियल चार्जेस, ये भी एक्सपेंस 21,500, टू फाइनेंशियल चार्जेस 21,500। उसके बाद सेल्स आपका 12,45,000, इसे भी इनर कॉलम में लिखना, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्यों, बस अभी आप लिख लो। सेल्स आपकी इनकम होती, साइंस वाले बच्चों घबराना मत, ये ट्रेडिंग के क्रेडिट इनकम यहां पे लिखते, एक्सपेंस यहां पे लिखते, ठीक है। सो बाय सेल्स अकाउंट 12,45,000, सेल्स आपका 12,45,000, ओके। अब उसके बाद देखो कहता है आपसे, सबसे पहले चीज, एक चीज ख्याल रखना बेटा, अकाउंटिंग एक इक्वेशन है, अकाउंटिंग इज एन इक्वेशन। आप एक पढ़ोगे सीए इंटरमीडिएट में एक चैप्टर अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स करके, ओके। अब अकाउंटिंग इज एन इक्वेशन, वो एक मिसिंग फिगर को, मिसिंग फिगर को हम फाइंड आउट कर सकते, लेकिन एक इक्वेशन है, कोई भी एक मिसिंग फिगर को हम फाइंड आउट कर सकते, जिन्होंने साइंस वाले नहीं घबराना, लेकिन जिन्होंने 11-12 कॉमर्स में पढ़े, कभी ना कभी आपने फाइनल अकाउंट चैप्टर पढ़े हो बेटा, वहां पर आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, जो वहां पे क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते थे, और आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो था वो बैलेंसिंग फिगर आता था। आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या था, आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो था वो आपका बैलेंसिंग फिगर आता था। सो आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे, ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आता था। तो कोई एक मिसिंग फिगर मिल सकती है, लेकिन मैं यहां सोचता हूं सर, यहां मेरे को अगर दो चीज यहां पे मिसिंग फिगर है, मैंने कहा अगर मैं कहूं यहां पे टू ग्रॉस प्रॉफिट, मैं यहां पे कहता हूं ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट में यहां पे, और यहां पे बच्चों क्लोजिंग स्टॉक, तो दो चीज अभी मेरे सामने मिसिंग है। मैंने कहा कि ग्रॉस प्रॉफिट एक मिसिंग और क्लोजिंग स्टॉक एक मिसिंग, अकाउंटिंग एक इक्वेशन, जितना डेबिट उतना क्रेडिट, तो आप एक मिसिंग फिगर पता लगा सकते हो। तो यहां पर कौन सी मिसिंग फिगर मैं पता लगा सकता हूं, तो सर नॉर्मली तो आप कहोगे कि हमने जब साइंस वाले नहीं घबराना बच्चों, इनसे मैं थोड़ा बात करूं, लेकिन आप घबराना मत। तो आप बोलेंगे सर हमने 11 12 में जब भी फाइनल अकाउंट करे, तो वो तो आप क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया होता था, और क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया होता था, और ये हम लोगों का ग्रॉस प्रॉफिट जो होता था वो बैलेंसिंग फिगर आती थी। सो ग्रॉस प्रॉफिट जो था वो हमारा बैलेंसिंग फिगर आती थी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर मैं को यहां पे क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया, मुझे तो क्लोजिंग स्टॉक निकालना है बच्चे, तो मैं अगर कहूं अगर मैं यहां पे क्लोजिंग स्टॉक निकाल लूं, क्लोजिंग स्टॉक अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट लिख लू यहां पे, अगर ये फिगर मैं लिख लूंगा, तो खुद ब खुद ये क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर आ जाएंगे, बात तो सही है, मगर ग्रॉस प्रॉफिट में अगर लिख लू तो खुद ब खुद ये बैलेंसिंग फिगर मेरी आ जाएंगी क्लोजिंग स्टॉक, और वो निकल आएगा। लेकिन मैं यहां पे कहूं, लेकिन मैंने कहा सर ग्रॉस प्रॉफिट, आप कहोगे सर कैसे ग्रॉस प्रॉफिट आप पता लगाएंगे। सो क्वेश्चन में उसने कहा हमसे यहां पर, ये जो पैरा है वो कहता है यहां पर, वो कहते हैं कि एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2019, मतलब पिछले साल की क्लोजिंग स्टॉक की बात करें, इस सम ऑफ रुपीज 17,500 वाज रिटर्न ऑफ ऑन ए पर्टिकुलर आइटम विच वाज ओरिजिनली परचेज फॉर रुपीज 50,000। कोई आइटम था ऐसा बेटा जो कि 50,000 रुपए का था, आपने उसको 17,500 रुपए कम लिखे, 17,000, तो ये एबनॉर्मल आइटम है, और उसको आपने इस साल बेचे 45,000 में। So, आप नॉर्मल इसे बेयरिंग द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू दिस, मतलब जो ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट करा, उसके अलावा वो कहता है कि आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दैट इज 20% ऑन सेल, वी ऑल नो दैट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल। तो वो कहता है 20% किसके ऊपर, बोला सेल्स के, तो सेल्स विल बी 100, तो कॉस्ट कितनी होंगी आपकी 80, लेकिन सारे गुड्स ऐसे ही मार्जिन में बिके, इसने बोला 20% ऑन सेल्स, तो जिस पे बोला यू नो इट
जिसपे बोला उसको हम लोग 100 लेते। तो यहाँ पे सेल्स को हमने 100 ली, ये आपका प्रॉफिट हुआ 20, तो कॉस्ट कितना यहाँ पे, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज सेल्स, तो अगर 20 प्रॉफिट है, सेल्स 100 तो कॉस्ट कितना होगा 80, तो हमने लिखे। लेकिन सेल्स ऐसे ही मार्जिन में बिका, ऐसी कॉस्ट 80, प्रॉफिट 20, सेल्स 100 है, लेकिन अदर देन दिस ट्रांजेक्शन जो मैंने अभी हाईलाइट किया उसके अलावा वो कहता है कि बेरिंग द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग दिस, उसके अलावा जो हाईलाइट करो, उसके अलावा आइटम इस मार्जिन पे बिके, इसका मतलब जो मैंने यहां पे हाईलाइट कर रखा हूं वो वाले गुड्स नॉर्मल जो प्रॉफिट मार्जिन था उस पर नहीं बिके, नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन पे वो नहीं बिके। तो मैंने कहा अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट सीधा, अगर मैं बोलू ये सेल्स फिगर 12,45,000 का, अगर मैं सीधा 20% लगा दू, 12,45,000 का बेटा, अगर सीधा मैं 20% कितने परसेंट बोला उसने क्वेश्चन में, 20%, तो यहां पे मैं 12,45,000 का अगर मैं सीधा यहां पे 20% अगर मैं कैलकुलेट कर लू तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 12,45,000 में कुछ ऐसे आइटम है जो नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 20% पे नहीं बिके, जो कि एबनॉर्मल आइटम है। जीपी निकाल सकते गर्वित, करेक्ट कह रहे बेटे, लेकिन वो जीपी तो यहां पे दिया हुआ अपने को 20%, लेकिन ये 20% अपन ये 12,45,000 सेल्स का 20% है, तो आप बोलेंगे 12,45,000 का यहां पे सीधा 20% लिख लो तो ये क्लोजिंग स्टॉक निकल आएगा, मगर वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, कि ये 12,45,000 पूरा का पूरा नॉर्मल 20% मार्जिन पे नहीं बिका, इसमें जो पॉइंट मैंने वहां पे हाईलाइट करा वो कोई और मार्जिन पे बिके। हाँ, तो हमने करे काम करते हैं, उसका हिसाब किताब मैंने कहा अलग करते, वो एबनॉर्मल आइटम है जो नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पे नहीं बिके, उन आइटम का हिसाब किताब मैं अलग करता हूं। तो मैंने कहा ये ट्रेडिंग अकाउंट पे जहां जहां पर भी एबनॉर्मल आइटम है उन एबनॉर्मल आइटम को मैं यहां से हटा देता हूं, तो जो भी चीजें यहां पे नजर आएंगी वो सिर्फ नॉर्मल आइटम रहेगा और नॉर्मल सेल भी निकल आएगा। उस नॉर्मल सेल पे 20%, उस नॉर्मल सेल पे 20% मैं क्या करूंगा बच्चे, उस नॉर्मल सेल पे 20% मैं कैलकुलेट करके जीपी निकाल लूंगा और क्लोजिंग स्टॉक मेरी बैलेंसिंग फिगर आ जाएंगी। सही बात है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं बेटा यहां पे कि मैंने आपसे कहा कि इसमें एबनॉर्मल आइटम जहां पर भी ट्रेडिंग अकाउंट में लिखे हुए उसमें से हम लोग हटा देते, उसमें से हम लोग हटा देते ताकि सब नॉर्मल नॉर्मल रहे, और एबनॉर्मल आइटम जो उसका मैं अलग से हिसाब किताब करता। तो बोल मैंने कहा, आपने कहा चलो सर हटा दो आप इसमें से एबनॉर्मल आइटम, क्यों हटा रहे, क्योंकि हम जीपी रेशो नॉर्मल चीजों पर लगा रहे, 20% दैट इज ऑन नॉर्मल सेल। तो हमने कहा कि पूरा हटाओ यहां से ट्रेडिंग अकाउंट से जहां पर भी एबनॉर्मल आइटम है, तब मैं ढूंढने लगा कि कहां एबनॉर्मल आइटम है। सो वो कहते हैं हमको पहले पॉइंट में यहां पे, एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री एज एट 31 मार्च 2019, पिछले साल 31 मार्च 2019 को इस सम ऑफ ₹17,500 वॉज रिटर्न ऑफ ऑन ए पर्टिकुलर आइटम, ठीक है, वो आपके 17,500 रिटर्न ऑफ मतलब राइट ऑफ उसको कम कर दिए थे। एक्चुअल में उसकी कीमत कितनी थी पिछले साल जब खरीदे थे आपने, ₹50,000 का खरीदे थे, लेकिन आपने जब क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल का लिख रहे थे तो 17,500 से कम लिखे, ठीक है। साइंस वाले घबराना नहीं, मैं कॉमर्स वालों को कह रहा हूं कि जब पिछले साल बेटा, पिछले साल का जब ट्रेडिंग अकाउंट बना था, तो पिछले साल ये इस साल का ट्रेडिंग अकाउंट, जो पिछले साल का जब ट्रेडिंग अकाउंट बना था मैं लिख देता हूं 31 मार्च 2019 को, तो एक्चुअल में क्लोजिंग स्टॉक जो था वो आपका एबनॉर्मल आइटम था, एबनॉर्मल आइटम की बात करो 50,000 था, उसमें से आपने 17,500 कम कर दिए थे, 17,500 कम कर दिए थे, तो आपने एक्चुअल में क्लोजिंग स्टॉक 32,500 पे लिखे थे। ये एबनॉर्मल आइटम का डिस्कशन चल रहा है बेटा, एबनॉर्मल आइटम है, ठीक है। तो आपने क्लोजिंग स्टॉक एबनॉर्मल आइटम का 32,500 लिखे थे, तो जब ये आपका टोटल ओपनिंग स्टॉक आया इसमें कुछ नॉर्मल है कुछ एबनॉर्मल है, अपन एबनॉर्मल की बात करें तो जो इसमें एबनॉर्मल है वो 50,000 नहीं है बेटा, इसमें जो एबनॉर्मल है 32,500, क्योंकि आपने पिछले साल 50,000 में से 17,500 राइट ऑफ कर दिए, मतलब कम कर दिए थे, तो ये 32,500 था। तो मैंने कहा कि यहां पे इसको यहां से हटा देते, अगर मैंने कहा एबनॉर्मल आइटम, ये एबनॉर्मल आइटम मैं यहां से हटाता हूं तो वो आ रहा है 32,500, वो कितना आ रहा है 32,500, सो 42,000 में से 32,500 हटा दिए, तो ये आपका कितना आ गया बेटा, यहां पे जो नॉर्मल आइटम का ओपनिंग स्टॉक है वो आपका 1,10,000। इसी गुड्स को आपने इस साल बेचे भी, जब आपने इस साल बेचे तो वो कहता है कि 45,000 रुपीज में बेचे, तो मैंने कहा पहले पूरे एबनॉर्मल आइटम इस ट्रेडिंग अकाउंट से हटा दो, तो यहां पे एबनॉर्मल आइटम सेल
एबनॉर्मल आइटम सेल जो हुआ बच्चों, वो क्वेश्चन में कहता है कि 45,000 रुपए का एबनॉर्मल आइटम का सेल हुआ, तो 12,45,000 में 45,000 एबनॉर्मल आइटम का सेल है, तो एक्चुअल में नॉर्मल आइटम का सेल आपका हुआ 1,00,000, नहीं सॉरी नॉट 1,00,000, दिस विल कम 12,00,000, वो हुआ आपका 12,00,000 रुपए का हुआ। तो आप बोलेंगे सर एबनॉर्मल आइटम का हिसाब किताब, उसका हिसाब किताब मैं करता हूं, लेकिन आपके सामने बच्चों जो यहां पर अब ट्रेडिंग अकाउंट नजर आ रहा है वो ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा है, सिर्फ नॉर्मल आइटम है उसमें लिखे हुए। तो एबनॉर्मल आइटम क्या उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। अब मैं कहूंगा कि 20% जो मार्जिन है सेल्स का, ग्रॉस प्रॉफिट, तो वो नॉर्मल प्रॉफिट का, तो ये टोटल सॉरी नॉर्मल सेल का, तो 12,45,000 ये टोटल सेल था, नॉर्मल सेल आपका 12,00,000 था, तो वो जो 20% मार्जिन कह रहा है, ये जो 12,00,000 है, ये 12,00,000 का 20%, 12,00,000 का 20% वो आता आपका 2,40,000, ये कितना आ रहा है आपका 2,40,000, सो 2,40,000 आपका क्या नॉर्मल सेल जो 12,00,000 था उसका 20% वो आपका 2,40,000, ये ग्रॉस प्रॉफिट आया। अब मैंने कहा ग्रॉस प्रॉफिट भी मैंने लिख लिया, तो मेरे पास अकाउंटिंग एक इक्वेशन है, बैलेंसिंग फिगर जो आएंगी वो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा यहाँ पे, है ना। मगर सर एबनॉर्मल आइटम के आपने हटाई थी, उसका हिसाब किताब मैं करता हूं, डोंट वरी। सब आप डेबिट की टोटल करो, 1,10,000 प्लस 7,62,500, 1,50,000 प्लस 2,40,000, तो ये आता है आपका 12,62,500, 12,62,500 माइनस 12,00,000, ये आपका 62,500 ये आया आपको, तो ये आया आपका 62,500। यहां मैं लिख देता हूं ये बैलेंसिंग फिगर है, तो आपका स्टॉक जो है 62,500 कौन सा स्टॉक है बेटे, ये नॉर्मल स्टॉक है, नॉर्मल गुड्स का स्टॉक है 62,500। मैं इस पे आता हूं वापस, अगर मैं प्रॉफिट भी निकाल, अब आपका प्रॉफिट है 2,40,000, तो साइंस वाले बच्चों घबराना मत, फाइनल अकाउंट में आपको पढ़ाऊंगा, ट्रेडिंग अकाउंट का जो प्रॉफिट होता है ग्रॉस प्रॉफिट वो पीएनएल में ट्रांसफर करते, तो महा डेबिट, इधर क्या कर रहा हूं क्रेडिट। सो आपने यहां पे लिखे बाय बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ये आया आपका 2,40,000, 2,40,000। अब क्या हुआ, मैं फाइनल प्रॉफिट यहां पे नेट प्रॉफिट निकालता हूं, लेकिन बच्चों यहां नेट प्रॉफिट में निकालता हूं बैलेंसिंग फिगर वो आएंगी, बैलेंसिंग फिगर आएंगे, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर आएंगे, ठीक है। अब देखो यहां पे 2,40,000 जो है आपका, अब क्या हुआ, मगर जो आपने यहां से तो एबनॉर्मल आइटम को हटा दिए थे बेटे, यहां से तो एबनॉर्मल आइटम को हटा दिए थे वो स्टॉक में से भी, सेल्स में से भी, मगर वो बेचने पे भी तो प्रॉफिट हुआ, हाँ हाँ, तो उसपे जो प्रॉफिट हुआ आप यहां लिख प्रॉफिट ऑन, जो आपका इनकम होती है प्रॉफिट होता है क्रेडिट में लिखते अपने, सो बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एबनॉर्मल आइटम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एबनॉर्मल आइटम, आपने कितने में बेचे एबनॉर्मल आइटम, एबनॉर्मल आइटम को हम लोगों ने बेचे 45,000 में, उसकी कॉस्ट क्या थी बेटा, 50,000 मत बोलना क्योंकि पिछले साल आपने कम उसको राइट ऑफ कर दिए थे, तो ओपनिंग स्टॉक में जो उसकी कॉस्ट थी एबनॉर्मल आइटम की 32,500 ही थी, तो मैं यहां पर लिखा रिटर्न डाउन वैल्यू, उसकी क्या वैल्यू थी 32,500 जो कि बिका 45,000 में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ आपको, आपको जो प्रॉफिट हुआ 12,500 का प्लस 2,40,000, तो ये आ गया आपका 2,52,500, 2,52,500 माइनस 60,500 सेलिंग एक्सपेंस 60,500 ना, 10 ज्यादा लग गया, कोई बात नहीं, 30,000 माइनस 21,500, तो ये आपका 1,40,500, 1,40,500 जो कि प्रॉफिट आया। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक अपने पास कोई भी ना एबनॉर्मल आइटम का स्टॉक था ही नहीं, इसीलिए स्टॉक वो बिक चुका है बेटा, ये आपने पूरा का पूरा स्टॉक क्या हुआ यहां पे बिक चुका है, 32,500 जो था ये 45 में बिक चुका है आपका, तो क्लोजिंग स्टॉक जो ये नॉर्मल आइटम का, आपने एबनॉर्मल आइटम में से हटा भी लो, क्लोजिंग स्टॉक कोई भी एबनॉर्मल आइटम का नहीं है, उसको बेचने में जो प्रॉफिट है वो आपने यहां पे लिखे, तो एक्चुअल में देखा जाए वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन
31 मार्च 2021 ₹62,500. हाउ मच? 62,500. इतना आपको समझ में? हाउ मच? 62,500. ओके, अब देखो ये इस तरीके से अपन सॉल्व. अच्छा मैं आपसे कुछ चीजें पूछूं बेटा. एबनॉर्मल आइटम अपन ने क्यों हटाए? क्यों हटाए? क्योंकि ये जो जीपी रेशियो था नॉर्मल आइटम पे था. सो इंस्टीट्यूट ने इसको एड और लेस फॉर्म में करी. वो भी मैं आपको बता, ऑल्टरनेटिवली आप कैसे कर सकते हो कि ओपनिंग स्टॉक आपका ये था. अरे बड़ा सिंपल है, ओपनिंग स्टॉक ये, उसमें से एबनॉर्मल आइटम हटाए, फिर परचेज लिखे, फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस लिखे. ठीक है, उसमें से आपने फिर क्या करे बेटा यहाँ पे, उसमें से फिर आपने सेल्स में से ही आपने एबनॉर्मल सेल को हटाया, और जिसमें से फिर प्रॉफिट कंपोनेंट हटाए, तो खुद ब खुद आपका क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी. तो मैंने तो प्रॉफिट तक आपको बता दिया कितना आएगा. ठीक है, अब इंस्टीट्यूट ने कैसे करी मैं आपको बताता हूं. So, आप यहां पे लिखो ऑल्टरनेटिवली स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2021. अब ध्यान से समझना. So, इंस्टीट्यूट ने एड और लेस से करी. अरे ये निकालना है ना, एक बड़ी सिंपल सी चीज है बेटा, इसको एड करो, इसको लेस कर दो, तो ये आ जाएगा 62,500. है क्या उसमें? सब आप लिखेंगे यहां पे ओपनिंग इन्वेंट्री, और मैं 2020 है ना, सॉरी 2021 ही लिख, 31 मार्च 2020. सो ओपनिंग इन्वेंट्री एज ऑन 1st of April 2019 कितने की थी ओपनिंग इन्वेंट्री? 1,42,500. 1,42,500 लेस बुक वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल आइटम. सो आप बुक वैल्यू एबनॉर्मल आइटम कितनी थी? तो बुक वैल्यू एबनॉर्मल आइटम की 32,500. तो पिछले साल 50 थी, लेकिन 17,500 आपने राइट ऑफ करे थे, तो ओपनिंग स्टॉक में 32,500 इंक्लूड है. मैं लिख देता हूं, वो 50,000 थी, उसमें से 17,500 आपने राइट ऑफ करे, तो ओपनिंग में जो थी वो आपकी 32,500. तो 1,42,500 माइनस 32,500, दैट्स कम 1,10,000 आउटर कॉलम पे. अब उसके बाद एक एक करके ये लिखना है अपने को, परचेज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, परचेज 70 कितना है? 7,62,500. देन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 1,50,000. सो 1,50,000 ओके, इसकी अब टोटल कर लो. So 1,10,000 प्लस 762,500 प्लस 1,50,000, दैट्स कम 10,02,000. नहीं नहीं नहीं, यस 10,22,500. अब क्या करेंगे बेटा, इसमें से सेल्स जो था आपका 12,00,000 का एबनॉर्मल आइटम के बाद, उसमें से उसका प्रॉफिट कंपोनेंट हटा दोगे तो कॉस्ट आ जाएगा. तो ये आप इसमें से ये फिगर में से ये माइनस करोगे, तो खुद ब खुद बैलेंसिंग 62,500 आएगा. आप कंटिन्यूशन में इसके नीचे आप लोग लिखेंगे लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है आपका? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. ओके, सो आप यहां पे लिखोगे सेल्स तो वैसे था आपका 12,45,000, लेकिन उसमें एबनॉर्मल आइटम का सेल आप हटा दोगे, एबनॉर्मल आइटम सेल 45,000. सो ये आपका नॉर्मल सेल था 12,00,000, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट था 20%, तो इसका 20% आ रहा है 24,000, प्रॉफिट हटा दिए तो ये आपकी कॉस्ट आ गई. इसमें कितना आ रहा है? नॉट 2,40,000 आएंगे, सॉरी 2,40,000. सो 12,00,000 प्लस माइनस 2,40,000, इट विल कम 9,60,000. तो आपका यहां पे क्लोजिंग स्टॉक
एज ऑन 31st March 2020, तो आपने ये लिखे 10,22,500, उसमें से माइनस करो 10,22,500 माइनस 9,60, तो ये आ गया आपका 62,500। अब क्या होता है बेटे कि ये 62,500 तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट बना के भी निकाले। अगर मैं आपको ऐसा बताता ना एड लेस से, तो आपको समझ ही नहीं आता। मैं अपन ने तो इससे एक स्टेप ज्यादा करे, क्या एक स्टेप ज्यादा करे अपन ने, तो बेटे यहां पर अगर आप देखो तो हम लोगों ने तो यहां पे ये भी कैलकुलेट करे ना, ये प्रॉफिट भी निकाल लिया अपन ने तो 1,40,000। वो पूछे एग्जाम में तो अब एक ये भी आता है हमको, ये भी निकाल लिया, ठीक है, ये पूछा 60, और उसने एड और लेस से भी आपको बता दिया ऑल्टरनेटिव। मगर ये आपने पहले एक बार ये समझ लिया ना, तो फिर ये समझना आसान है। अब जल्दी से बच्चों मेरे को बताओ मैंने क्या कहा आप लोग को समझ में आया। क्या कहा मैंने आपको समझ में आई चीज, यस सर, ओके समझ में आया, ओके अब ध्यान से बेटा, ठीक है। एक और चीज कह दूं, शायद कोई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये आपने ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो था आपका, सेल्स माइनस जीपी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स माइनस जीपी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दो तरीके से अपन करते कैलकुलेट, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूं बस मैं यहां पे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने शायद कभी सुने होंगे यहां पे, इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक, ये आपकी समझ के लिए बस कह रहा, क्वेश्चन तो पहले ही कर लिया अपन ने, ठीक है, प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एक्चुअल में ये फॉर्मूला होता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। लेकिन एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बेटा एक और तरीके, ये फॉर्मूला होता है, और यू कैन से, ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है तो उसके एक और तरीके से आप जो अभी अपन ने जैसे कैलकुलेट करे वो होता है आपका सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अगर आप देखो बेटा तो नॉर्मल सेल था अपना 12,00,000 रुपए का, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो था 20%, इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक था आपका, वही मैंने बस यहां पे किया, ओपनिंग स्टॉक जो था आपका यहां पे, ओपनिंग स्टॉक जो क्वेश्चन में कितना दिया था 11,00,000 था ना, वो एडजस्ट करे बाद 11,00,000 ही थे ना, यस नहीं 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 1,10,000 था, सॉरी 1,10,000 प्लस ये था आपका, फिर 7,62,500 परचेज था, डायरेक्ट एक्सपेंस जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है 1,50,000 के, और क्लोजिंग स्टॉक अपने को पता नहीं था। अब आप ये इक्वेशन सॉल्व करो, वही तो मैंने किया बच्चे यहां पे, देखो क्या किया मैंने, देखो फॉर्मूले को देखो अच्छे से, देखो फॉर्मूले को, यही तो मैंने वहां पे किया, ओपनिंग स्टॉक लिखा 1,10,000, उसमें परचेज लिखा, डायरेक्ट एक्सपेंस लिखा, ये तीन चीज तो लिखा मैंने यहां पे, देखो ओपनिंग स्टॉक परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस वही तो लिखा बेटा, माइनस उसमें ये तीन चीजें तो लिखा, और ये सीओजीएस का फॉर्मूला, ये सीओजीएस का एक फॉर्मूला ये सेल्स माइनस जीपी, तो सेल्स आपका था 12,00,000, उसमें से जीपी 20% माइनस करो, ये फिगर नहीं पता। तो आप अगर ये इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपका क्लोजिंग स्टॉक उतना ही आएगा, 62,500 ही आएगा, आप करके देखो। सो ये आएगा आपका 12,00,000 माइनस 20% 9,60,000, फिर ये आया आपका 1,10,000 7,62,500 प्लस 1,50,000, ये आया आपका 10,00,000 22,500 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सो क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू 62,500। तो अब आप इसको अच्छे से समझ, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है, सम अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छी होना। अब देखो यहां पे क्या हुआ बेटा, यहां पर क्या हुआ आपका, अगर आप अच्छे से यहां पे देखो तो यही तो हमने ऊपर में करे ना, सीओजीएस इस फॉर्मूले से मैंने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल लिया, वही तो हमने ऊपर करे अभी यहां पे। तो यहां पे क्या करे, पहले अपन ने ओपनिंग स्टॉक लिखे, फिर परचेज लिखे, ओपनिंग स्टॉक लिखे, फिर परचेज लिखे, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस लिखे, वही तो किया मैंने, और क्या किया बच्चों। तो ये सेल्स है, ये जीपी है, ये ओपनिंग स्टॉक है, ये परचेज है, ये डायरेक्ट है, क्लोजिंग स्टॉक की फिगर निकालना था हमको,
तो वही मैंने यहाँ पे ऊपर में कि इंस्टीट्यूट ने वो करी, लेकिन वही इंस्टीट्यूट ने भी करी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट माइनस क्लोजिंग, वी डोंट नो। बट ये COGS एक ऐसा कैलकुलेटर था, ऐसा भी कैलकुलेटर था, सेल्स माइनस जीपी, तो सेल्स वी नो 12 लाख माइनस जीपी 20% वी नो। तो इस इक्वेशन से अपन वही इसको यहाँ पे एड और लेस से कर रखा है, दैट्स कम 62,500। तो मैंने आपको कितने तरीके से बताया अकाउंट बना के 62,500 यहाँ पे, फिर यहाँ पे ये इंस्टीट्यूट ने ऐसा करी है प्लस माइनस, लेकिन इसको लॉजिक भी बताया वो कैसे करी। तो आपको ये भी बताया कि यहां से एड और लेस करे, या आपको इस तरीके से भी बताया बेटा मैंने कि COGS के फॉर्मूले से, इंस्टीट्यूट ने नहीं लिखी COGS का फॉर्मूला, लेकिन इस फॉर्मूले से बेसिकली उन्होंने एड और लेस वो करे। इतना आप सबको समझ में आया, जल्दी से बताएंगे बच्चों। हार ना, ओके ठीक है डन। तो एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी, लेकिन कुछ उसको ना एटविल आई थिंक हाफ है ना, तो आज मैं क्लास थोड़ी सी जल्दी छोड़ रहा, इसको अपन कल करेंगे क्वेश्चन नंबर 40। मगर आज का होमवर्क लिखो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1-2 हो गया। अब सुनो मेरी बात, क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है, अभी मैंने जो पहले दे दिया ना इसको मैं अभी मत करना, कल मैं इसको डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 और 7 मत करना ठीक है, आज की होमवर्क ले लो, वो मैं कल वो मैं डिस्कस करूंगा क्लास में। सो क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है, सिमिलर टू अभी अपन ने करे ना, सिमिलर टू क्लास क्वेश्चन कौन सा करे अपन ने अभी, क्वेश्चन नंबर 13 करे ना, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 13 ओके सिमिलर टू, तो ये भी आपका होमवर्क है, ये होमवर्क है ठीक है, 3 होमवर्क है आज। तो जो आज होमवर्क है उसको हाईलाइट कर, 3 है, 4th मत करना। हाँ ये भी होमवर्क करना अब आपने, हाँ ये भी होमवर्क है इंस्टीट्यूट के मटेरियल का क्वेश्चन जैसे आज करें ना, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 13 जो क्लास में करें ठीक है, ये भी होमवर्क है, 2 होमवर्क है आज। सो कौन सा 3rd होमवर्क है और 6th होमवर्क है ठीक है, 7th अभी मत करा मैं डिस्कस, 8th आपको दे चुका, 9th कर सकते हो क्या मैं पहले देख लू, कर तो सकते हो वैसे 9th, एक मिनट रुको, 10th कर सकते हो क्या, हाँ हाँ 10th तो कर सकते हो, अब भी कराया, अब भी कराया ये ठीक है, ये होमवर्क, चलो 3 होमवर्क, 3 होमवर्क सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर कौन सा था जो आज अपन ने 13 के पहले जो करे, 12 ही था, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 12 है जो क्लास में अपन ने करे ना, क्वेश्चन नंबर सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है कि नहीं मुझे देखने तो पहले, हाँ यस 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 ठीक है। तो ये होमवर्क आज के 3 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 3 आंसर अपलोड है इसके बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 10। अब कल क्या करूंगा मैं क्लास का क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करूंगा और प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग कल डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन कौन से आपके, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है आपके 4th, 7th, 9th ठीक है, 4th, 7th और 9th ठीक है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन 4th और 7th तो वैसे सिमिलर है, तो ये मैं कल डिस्कस करूंगा। वैसे आप लोग ना 4th और 7th में को करने वो करें, वैसे आप लोग क्वेश्चन नंबर 9th ट्राई कर सकते हो, वैसे मैं डिस्कस कर लूंगा लेकिन आप ट्राई कर सकते हो, उसमें ऐसा कुछ है नहीं बहुत ठीक है। तो कल क्वेश्चन नंबर 9th आप ट्राई करना, 9th ट्राई करना प्रैक्टिस क्वेश्चन, होमवर्क ऑलरेडी 3 हो चुके हैं ठीक है। तो आज का होमवर्क आपका क्वेश्चन नंबर 3 प्रैक्टिस, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 10 एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 10, ये 3 होमवर्क है बेटा, ये कल क्लास में करूंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। 4 और 4th 7th मत देखना, 9th आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो ठीक है। सो कल हम लोग डिस्कस करेंगे और आज का सेशन हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। सो टेक केयर, बाय बाय।